जी सर। पलक मैम घर पर हैं? सर बाहर हैं। ठीक। तुम आज इतनी जल्दी? हाँ मैं इतनी जल्दी, क्योंकि ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं है। मैं जब चाहूं यहां से जा सकती हूं और जब चाहूं यहां आ सकती हूं, और तुम्हें जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं। और अगर तुम मेरा थप्पड़ नहीं भूले ना, अभी और इसी वक्त मेरी नजरों से गुम हो जाओ, दफा हो जाओ यहां से। हाँ, ऑफ कोर्स, थप्पड़। भला वो थप्पड़ मैं कैसे भूल सकता हूं, क्योंकि तुम वाहिद इंसान हो जिसने आरिफ ज़िक्रिया को थप्पड़ मारने की हिम्मत की। तुम जानती हो डार्लिंग के मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे तुमसे शदीद नफरत हो जाए, लेकिन मेरी सोच ने मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। मेरी जिद्दी सोच तुम्हारे बारे में क्या क्या ख्वाब देखती है, एक दो सुनाओ। देखो आरिफ, मेरी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत टेंशन, इसलिए आखिरी बार वॉर्न कर रही हूं, अपनी हद में रखो और ये अपनी घटिया सोच अपनी हद तक रखो, वरना तुम रिस्वाम को बता दोगी और मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये तुम्हारा घर है। बिकॉज दिस इज योर ब्लडी हाउस। ये कहने वाली थी ना तुम? लेट मी गेट वन थिंग स्ट्रेट, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। एक काम करो, अपनी नफरत को मेरे दिल के थोड़ा कम कर दो और दूसरी नजर से देखना शुरू कर दो। पहुंच जाओ यहां से। मैं अभी कोई फैसला करने की जरूरत नहीं, प्लीज अभी नहीं है ना। मैंने तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त दिया, थिंक अबाउट इट। देखो, हर इंसान के अंदर एक शैतान छुपा हुआ होता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे अंदर भी होगा, जिसे मेरी सर।
क्या हुआ, फोन क्यों किया था? क्या नाम? कुछ नहीं, बस कुछ देर रुकते रहे। क्या नाम? क्या कोई बात है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है? क्या बात? इस बार मुझे किसी ने कहा कि एक्टर्स डेट सीन दे रहे, प्रॉब्लम कर रहे हैं, ऑलरेडी शूट में इतनी देर हो चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। ऐसा क्यों हो रहा? मतलब मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है। छोटी सी प्रॉब्लम, ये आरजी सी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तुम्हें ये कौन सी बात है परेशान करने लगी? तुम तो बड़ी स्ट्रांग हो रहे हो, ये तो माइनर सी बात है। वजह मुझे परेशान कर दिया तुम, छोटी बातों के लिए फोन ना किया करो, सारा मजा खराब हो गया। मजा खराब? अपनी मीटिंग्स में होता हूँ, एंजॉय करता हूँ, उसके बाद फिर दूसरे इंपॉर्टेंट कामों में लग जाता हूँ। मजा ही तो है ये मेरा। क्या मैं जब भी परेशान होती थी तुम्हें फोन करती थी, आज ऐसा क्यों कह रहे हो? अब एक्टर्स नहीं आ रहे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो कोई ज्यादा इमरजेंसी हो करे ना, बड़ी इमरजेंसी, वाकई जरूरत हो मेरी, तो मुझे बुलाया करो, फोन किया करो। ये छोटी छोटी बातों के लिए मुझे डिस्टर्ब मत किया करो प्लीज, आइंदा ख्याल रखो। क्यों रात दिन जलने लगे और आसमां पिघलने लगे, गिरने लगे। डैड आप कब आए? बस अभी। क्या बात है, मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम प्रेजेंट में कम और फ्यूचर में ज्यादा हो। कहीं ऐसा ना हो कि प्रेजेंट में जो कुछ हो रहा है उस पर से तुम्हारा ध्यान हट जाए। फ्यूचर में? हाँ, इमेजिनेशंस में रहती हो तुम, और इमेजिनेशंस फ्यूचर की दुनिया है। आप ठीक कह रहे हैं डैड, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या सच है क्या इमेजिनेशन। मुझे ख्याली दुनिया सच से ज्यादा हसीन लगने लगी है, इसमें ना कोई मजबूरी है ना कोई मायूसी। मुझे पता है डैड, ख्वाब से उठकर हकीकत का सामना करना अच्छा नहीं लगता अब, बस ख्वाब में रहना चाहती हूँ। आपकी दुनिया में आप जो कुछ चाहे वो कर सकते हो, ना दुनिया है ना दुनिया के लोग, ना रुकावटें, ना असूल, ना असूलों का डर, सब कुछ खूबसूरत होता है। तुम चाहो तो इस ख्वाब को पूरा कर सकती, खास करके मौका अगर तुम्हारे सामने खड़ा हो तो। हर किसी की किस्मत में यह मौका नहीं होता, किस्मत मेहरबान हो तो फायदा उठा लेना चाहिए। डैड आप तो जानते भी नहीं है मेरा ख्वाब है क्या, फिर आप ये सब कैसे कह सकते हैं? बाप हूं तुम्हारा मैं, अच्छी तरह जानता हूं
तुम्हारे ख्वाब और तुम्हारी ख्वाहिशात के बारे में। And I promise you, तुम्हारे इस ख्वाब को पूरा करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मशा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ जैसे मैं खुद को खुश देखना चाहता हूँ। By the way, आजकल मैं और रिजवान जब भी बातें करने बैठते हैं तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन तुम होती हो, और जानती हो कि तुमसे रिलेटेड गुफ्तगू का आगाज कौन करता है? रिजवान। भाई ऑब्वियसली वो मेरा दोस्त है, मैं उसी से शेयर करूंगा ना ऐसी बातें। मैं चाहता हूँ कि अच्छा तुम्हारी शादी हो जाए, मुझे तुम्हारी शादी की बहुत फिक्र है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझसे ज्यादा फिक्र रिजवान को तुम्हारी शादी की है। मेरी शादी के बारे में आप सर से क्या बात कर रहे थे और आपने सर से क्यों बात की? मुझे नहीं पता कि उसे तुम्हारी शादी की इतनी फिक्र क्यों है। पूछ रहा था कि कहीं मैंने तुम्हारा रिश्ता तो नहीं कहीं तय कर दिया, या तुम्हारी लाइकिंग तो नहीं है किसी की तरफ, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा वक्त और देना चाहिए वगैरह। रिजवान की इस फिक्र की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। बेटा तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं, बस थोड़ा संभल कर कदम उठाना, एक गलती और सब खत्म। मैं हमेशा कहता हूं तुमसे, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। अगर रिजवान इस बात को लेकर परेशान है तो आई एम श्योर इसके पीछे कोई तो रीजन होगा ना। और वो क्या है? मैं तुम्हें पहले सिर्फ सोचने के लिए कहता हूँ, लेकिन अब सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, अब आज शायद अमल की तरफ काम जाए, और तुम्हें उसी तरह चलना चाहिए जैसे जहां जहां मामला चल रहा है। यू नो व्हाट आई मीन? मंशा मेरी हर बात पर गौर करना, सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना सीखना होगा, वरना सारी जिंदगी दूसरों की खुशियां देख देख कर अंदर ही अंदर घुटती चली जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ हो। तासीर की जिंदगी में मंशा आ चुकी है। मैंने उन दोनों को तुम्हारे घर में साथ देखा है। दोनों का अफेयर चल रहा है। आज मुझे परेशान कर दिया, छोटी बातों के लिए फोन ना किया करो, सारा मजा खराब हो गया। मेरे जानू मेरे मैम, आपने शरारत के बारे में बताया कुछ सर को? मैं किचन में थी, मैंने सब देखा था। अब किसी और से जिक्र करने की जरूरत नहीं है, जाओ साहब को और बच्चों को बुला के लाओ। लेकिन मैम। जाओ। जी मैम। Thank you.
रिजवान हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? मुझे इस घर में आने के लिए तुमसे इजाजत लेने की तो कोई जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूँ मैं आ सकता हूँ। देखो ना सर, अगर तुम वही स्टुपिड बात करने आए हो तो बेहतर यही होगा कि यहाँ से चले जाओ। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सब सुनने। I'm sorry. मैं आइंदा ऐसी कोई भी बात नहीं करूँ। यानी कि तुम मान रहे हो जो कुछ भी तुमने कहा है वो महज तुम्हारी गलत फहमी थी? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कि मैंने कल रात जो कुछ तुम्हें बताया मैं उसके हर लफ्ज पर अभी भी कायम। हाँ, अगर तुम अंधेरे में रहना चाहती हो तो इट्स ओके, लेकिन मुझे हकीकत में रहना पसंद है। देखो ना सर, मैम वो सर पूछ रहे हैं कि आपने आरिफ सर और मंशा मैम को बुला लिया? हाँ बुला लिया उन दोनों। बच्चे क्यों नहीं आए? जब बच्चों को साथ लेकर आओ। जी मैम। मुझे भी हकीकत पसंद है, लेकिन जो तुम मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सालों से रिजवान को मैं जानती हूँ और इतने साल काफी होते किसी को जानने के लिए। मुझे बहुत भरोसा है उस पर। मेरा दिल कभी मान ही नहीं सकता कि रिजवान कोई ऐसी हरकत करे। बिला वजह मुझे फजूल बातें मत करो। अच्छा, और जाओ यहां से। मैं कहीं नहीं जा रहा, और मुझे इस बात का पता है कि तुम्हें मेरी कही हुई किसी भी बात पे कोई यकीन नहीं आने। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा गौर करो तो बातें सारी की सारी खुद वाजे हो जाएगी। मंशा हरी अब यार। नाश्ते पर लेट हो जाएंगे। जी डैड, थोड़ी देर में आ रही हूँ, दो मिनट। तो आगे का क्या प्लान है मंशा? किस बारे में? जिंदगी के बारे में। क्या सोचा है तुमने अपने फ्यूचर के बारे में? या फिर रिजवान के साथ जॉब कंटिन्यू रखोगे? आई थिंक अब मंशा को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मंशा ने ऑफिस की बहुत सारी जिम्मेदारी संभाल ली है। तो ऐसा लगता है कि मंशा की हम रह नहीं सकते, उसकी आदत सी हो गई है। मेरे ख्याल में अब मैं मंशा को कहीं जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मंशा ने अपने बारे में कोई भी प्लान रखा हो, उसने कुछ भी सोचा हो, मगर आई डोंट थिंक सो कि अब मंशा हमें छोड़ कर जाएगी। सॉरी, आई वोंट लेट यू गो। मैं आपका इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। So sad, मंशा, सुनकर कितना अफसोस हो रहा है मुझे। अब तुम्हें पूरी जिंदगी ये बोरिंग जॉब करनी पड़ेगी। बोरिंग जॉब? कम ऑन ना सर, मंशा जॉब पर ऐसे जाती है जैसे बंदा पिकनिक पर जाता है। क्यों मंशा? दरअसल ऑफिस के लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है कहीं और जॉब करने का। मैं इसी जॉब को कंटिन्यू रखूंगी। मंशा
और अगर तुम्हें कोई और अच्छी ऑफर मिल जाए जहां तुम वो सब कर सको जो तुम्हें खुशी देती हो। मैं इस वक्त जितनी खुश हूँ मुझे नहीं लगता मैं इससे ज्यादा खुश कहीं और रह सकती हूँ। कोई मुझे कितनी भी बड़ी ऑफर कर दे, जो मुझे सर के साथ मिल रहा है वो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। अच्छा तो तुम यहां बैठी हो। अच्छा मैंने आपकी लिखी हुई स्टोरीज पढ़ी। अच्छा वो कैसे? मुझे तो लगा आपको इस किस्म की कहानियां बिल्कुल पसंद नहीं। मान तो मंशा कि मुझे उस दिन वो तमाम बातें आपसे नहीं करनी चाहिए। I'm really sorry. अगर मैं क्या करूं तो मजबूर था। कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन मेरा अंदर का बदतमीज इंसान कभी ना कभी अपना बुरा सा मुंह खोल ही देता है। लेकिन मैंने आपकी कहानियां पढ़ी थी, बहुत अच्छी थी। उनको पढ़ के मुझे अपने शुरू का दौर याद आया। आपकी तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट जो कि मैं अभी भी हूं। चले इट्स ओके। थैंक गॉड आपने मुझे माफ तो किया। कॉफी मिलेगी? हाँ आ जाइए। ओह नो कमले के तो कुछ नहीं हुआ? वहाँ क्या देख रही है? अभी तक गया कोई काम होगा मंशा? क्यों कुछ नहीं कॉफी भिजवा देना। वो तो मैं भिजवा देती हूँ लेकिन क्या देख रहे थे बार बार आप उनकी तरफ? मुझे नसर का मंशा के साथ ही मिलना जुलना पसंद है। हो सकता है कि वो मंशा को नुकसान हो सकता है। अच्छी तो नहीं मंशा, मैं अच्छा बुरा खूब जाऊँगी। वैसे भी नसर को उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं।
सीन रेडी? चलो। आपके और डैड के बीच में मेरे बारे में कोई बात हुई थी? हाँ। क्या बात हुई थी? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। वो तुम्हारी शादी को लेकर बहुत फिक्रमंद है। बहुत नॉर्मल सी बात। हम क्या करेंगे? देखो, तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब भी वो शादी की बात करें, इस टॉपिक को अवॉइड कर दें। कब तक? बहुत सारे सवालात उठेंगे। हम दोनों को साथ फेस करना पड़ेगा, जब तक कोई इसका हल नहीं निकल आता। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? तुम्हें लग रहा है? मैं क्या सोचता हूँ? मैं जानता हूं तुम उस पर कभी भी यकीन नहीं करोगे, इसलिए ना पूछो तो बेहतर। मुझे आज जल्दी जाना है, मुझे काम करना है। तासीर की बर्थडे के लिए? हाँ, और मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें इतना यकीन है कि वो इस साल भी अपनी बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करेगा? अमीन फलक, कांट यू सी तुम्हारी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा है? नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। और तासीर हमेशा की तरह अपना बर्थडे मेरे साथ ही सेलिब्रेट करेगा। ओके, ठीक है फिर, जो तुम्हारी मर्जी है वो करो। तुम्हें अगर इग्नोरेंट रहना पसंद है तुम वैसे भी रह सकती, लेकिन मैं डीप डाउन इनसाइड ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मेरी हर कही हुई बात पर अब यकीन हो गया, सिर्फ तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बनाया केक बहुत यम्मी होता है। लेकिन मॉम, केक ऐसे तो नहीं बनता, वो तो बहुत सॉफ्ट होता है और हम उसको पीसेस में कट करके खाते हैं, इसके हम पीसेस कैसे करें? स्टूपिड, अभी तो केक बना ही नहीं है। रानी, बहुत टाइम हो गया बच्चों को बनाया। जी मैम। लेकिन हम लोग डैड के साथ केक नहीं काटेंगे, हम उनको सरप्राइज ही देंगे। हाँ मॉम, हम डैड को आपके साथ हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। आप डैड को हैप्पी बर्थडे सुबह स्कूल जाते हुए विश कर देना। चलो मेरा बच्चा, शाबाश, बहुत देर हो गई, चलो चलो बेटा। मुझे भरोसा है जी, इसमें कोई शक नहीं है। And don't worry about it. मैं हूँ, सब हैंडल करूँगा। आज रात 12 बजे आपकी बर्थडे हो जाएगी, आप मेरे साथ सेलिब्रेट करेंगे? नहीं, चले रहने दें, आपको अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए आज रात को। It's okay. मुझे मैं तुम्हारे साथ हर खुशी अपनी शेयर करना चाहता हूँ। तुम्हारे बगैर मेरी हर खुशी नामुमकिन। तुम्हारा आई मीन
12 बजे से पहले आ जाओगे? मैंने कहा मुझे ऑफिस में बहुत काम है, जैसे काम खत्म होगा घर आ जाऊंगा, तो मेरा इंतजार मत करना। ओके। मैंने भी तरसे हुए ये जिंदगी भी तरसे, प्यार की बारिश यही कुछ आस पास बरसे। हेलो साहब, कहाँ हैं? मैडम साहब तो मंशा मैम के साथ चले गए। क्या सोचने से हासिल आशना कोई नहीं, एक अजनबी के डर से ये सांस क्यों ठहरने लगे, ये रंग क्यों बिखरने रानी? लगे रानी बिखरने लगे। जी मैम, मंशा आ गई। अब नहीं मैम, अभी तक तो नहीं आई है। ठीक है, तुम जाओ। इतना यकीन है कि वो इस साल भी अपनी बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करेगी। फलक, कांट यू सी, तुम्हारी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा है।